आखिर क्यों साउथ के एक्टर हर मूवी में दाढ़ी रखते हैं? और आज आप एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर पानी में ही 600 करोड़ रुपए तैर रहे हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हाईवे पर इन तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्यों बनाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, स्कूल या फिर कॉलेज में हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद उस टेक्स्ट को हमारे नोट करने से पहले ही इरेज कर देते हैं। तो वहीं स्टूडेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापान ने कुछ इस तरीके के एक बेहद ही स्मार्ट डिजिटल ब्लैक बोर्ड इरेजर को बनाकर तैयार किया है, जो कि खुद ब खुद ब्लैक बोर्ड को साफ करने के साथ साथ उसके ऊपर लिखे टेक्स्ट की हूबहू इमेज को सेव कर लेता है, जिसके बाद आप चाहें तो क्लास के बाद डिजिटली या फिर प्रिंट के थ्रू इसे कलेक्ट कर सकते हैं। और वास्तव में ये आइडिया अपने आप में लाजवाब और क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में एक से बढ़कर एक हाईटेक कैमरास तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कलर्ड पोर्टेबल कैमरा को देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कैमरा दिख रहा है उसे साल 1903 के आसपास मार्केट में उतारा गया था, और इस कैमरा से फोटो को क्लिक करने के लिए कुछ इस तरीके से एक बेहद ही लंबे प्रोसेस को अपनाना पड़ता था। तो वहीं दोस्तों, बात अगर इस कैमरा की इमेज क्वालिटी की जाए तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेजेस दिख रही है उन्हें इसी कैमरा का इस्तेमाल करते हुए क्लिक किया गया था। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पीरियड के हिसाब से ये इमेज क्वालिटी अपने आप में काफी ज्यादा इंप्रेसिव जरूर थी। तो गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि चाइना में अगर आपने पांडा की पॉटी को हाथ तक लगा दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं? असल में दोस्तों, एक चाइनीज लॉ के अनुसार पांडा की पॉटी पर पूरा ही अधिकार सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का ही होता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों, चाइना में पांडा की पॉटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चाय, कॉफी, पेपर और यहाँ तक की टिश्यूज को भी बनाकर तैयार किया जाता है, और इसलिए चाइना में पांडा की पॉटी पूरी ही कंट्री की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों में से भी एक चीज मानी जाती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर चाइना में आपको पांडा की पॉटी नजर आए तो उसे दो कदम दूरी ही जरूर बनाइएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन जैसे फिल्मी हीरो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मटका मैन रियल सुपर हीरो को देखा है? असल में दोस्तों, भारत के नटराजन, जिन्हें मटका मैन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों काफी सुर्खियों में है, क्योंकि ये पिछले काफी लंबे समय से कुछ इस तरीके से अपनी वैन में कई मटकों को पानी से भरकर अलग अलग शहरों की अलग अलग सड़कों पर लोगों की प्यास बुझाते हुए नजर आते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, ये अपने इस काम के लिए नटराजन एक भी रुपए किसी भी इंसान से नहीं लेते, क्योंकि उनका कुछ ऐसा मानना है कि हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करना हम सबका कर्तव्य। सच में सैल्यूट है इस रियल सुपर हीरो को। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, जब भी हमें कहीं पर भी छोटा मोटा कोई कट लग जाता है तो हम उसके ऊपर तुरंत ही बैंडेज को लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा के एक लॉ के अनुसार अगर आपने इसी काम को कनाडा में कर दिया तो आप देखते ही देखते क्रिमिनल बन जाएंगे। असल में दोस्तों, कनाडा के एक लॉ के अनुसार कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में अपनी पुरानी बैंडेज को ना ही खोल सकता है और ना ही उसे चेंज कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे कनाडा में एक अपराध माना जाएगा, और वास्तव में ये लॉ अपने आप में कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा टिश्यू डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि एक अच्छे खासे इंसान की स्किन को देखते ही देखते एक पेंटिंग कैनवस में कन्वर्ट कर देता है? असल में दोस्तों, इस डिसऑर्डर को डर्मेटोग्राफिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे ही कोई भी इंसान अपनी स्किन के ऊपर सिंपली अपनी फिंगर को मूव करता है तो उसकी स्किन देखते ही देखते कुछ इस तरीके से उस लेटर या फिर शेप को ऐसे उभार देती है कि मानो किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसे स्किन पर गोदा हो, और इसीलिए इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अक्सर हम घर पर थोड़ी सी पुरानी हो चुकी चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मानो इससे भला होगा ही क्या, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर पुरानी हो चुकी चाय की पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कहानी कुछ ज्यादा ही भयानक बन जाती है। दोस्तों, पे स्क्रीन पर आपको एक पुरानी चाय की पत्ती की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, और इस वीडियो के लिए आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे कितने बड़े अमाउंट में बैक्टीरिया उस चाय के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पुरानी चाय को अपने घर से बाहर ही रखें। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने बहुत सी ऐसी इमेजेस या फिर वीडियोस आती हैं जिसमें हमें कुछ ऐसी स्पेसशिप्स नजर आती हैं जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, लेकिन इन सभी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इन तरीके की वीडियोस या फिर इमेजेस की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है। वहीं क्या आपको बताया गया, अभी हाल ही में रिसर्चर्स के द्वारा साल 1971 में क्लिक की गई एक अजीब सी स्पेसशिप की इस इमेज को लोगों के सामने रखा गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस इमेज के रिलीज होने के बाद ये अभी तक की स्पेसशिप्स की सबसे ज्यादा क्लियर क्लिक की गई
फोटोग्राफ भी बन चुकी है और इसलिए इमेज ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया में वायरल भी हो रही है। वैसे इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की चीजें ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि जापान का याकुशिमा आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मंकी पेड़ों की बजाय हिरनों की पीठ पर घूमते हुए नजर आएंगे। असल में दोस्तों यहां पर डियर और मंकीज ने आपस में कोऑर्डिनेशन को करके एक ऐसी फ्रेंडशिप को डेवलप कर रखा है कि यहां पर ऑलमोस्ट सभी बंदर एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से डियर्स के ऊपर बैठकर ही ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि एक बंदर पूरे ही दिन में जितने भी फूड का इंतजाम करेगा वो उसका एग्जैक्ट हाफ पार्ट अपने फ्रेंड डियर के साथ शेयर करता है। और वास्तव में ये रिसर्चर्स के लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है कि आखिर कैसे दो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल इस तरीके के बॉन्ड को बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जब भी हमें किसी ऊंची बिल्डिंग के काफी ऊंचे फ्लोर तक जाना होता है तो अक्सर हम स्टेयर्स की जगह एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इन एलिवेटर्स को काफी ज्यादा एडवांस और बड़ा भी बनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा पैसेंजर एलिवेटर कहां पर और किस देश में मौजूद है? असल में दोस्तों आपको जानकर यह हैरान होगा, लेकिन अभी हाल ही में मुंबई के जियो सेंटर में पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े पैसेंजर एलिवेटर को इंस्टॉल किया गया है जिसका कि अपने आप में वजन 16 टन है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये एक एलिवेटर एक बार में 200 लोगों को लिफ्ट भी कर सकता है। तो गाइज इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम इंसानों के द्वारा बेहिसाब पेड़ों को काटना है। तो वहीं क्या आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसी चीज से फाइट करने के लिए एक बेहद ही अमेजिंग प्लान के साथ सामने आया है। असल में दोस्तों पाकिस्तान ने साल 2023 तक अपनी कंट्री में 10 बिलियन ट्रीज को लगाने का प्लान किया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑलरेडी ये क्लेम कर चुकी है कि वो अभी तक 1 बिलियन से ज्यादा ट्रीज तो लगा भी चुके हैं और वास्तव में इस चीज को जल्द से जल्द हमें हमारी कंट्री में भी अप्लाई करना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को कार ड्राइविंग का शौक होता है लेकिन जैसे ही ये शौक एक जुनून में बदल जाता है ये देखते ही देखते आपको वर्ल्ड फेमस भी करा देता है। मिलिए LRV गुड़ौन से, जिन्हें ड्राइविंग इतनी ज्यादा पसंद है कि इनके नाम अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दूरी की ड्राइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। असल में दोस्तों इन्होंने अपनी कार वॉल्वो P1800 से अभी तक लगभग 48 लाख किलोमीटर के सफर को तय किया है जिसके साथ इनकी कार और इनके खुद के नाम भी सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर दिया गया है। वाओ। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि चाइना और वियतनाम में एक ऐसी वाइन भी मौजूद है जिसे किसी और चीज का नहीं बल्कि माउस यानी कि चूहों का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया जाता है। असल में दोस्तों इस तरीके की वाइन को बनाने के लिए उसमें जिंदा चूहों के बच्चों को ही डाल दिया जाता है जिसके बाद जब उनकी बॉडी सड़ने लगती है तो आगे चलकर इस वाइन से उन्हें निकालकर इस वाइन को इन कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम भी किया जाता है और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा गलत और अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब भी हमारी बाइसाइकिल पुरानी हो जाती है तो हम उसे कबाड़े में बेच देते हैं जिसके बाद उसके पुर्जों को अलग अलग कर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में दोस्तों चाइना की एक लॉ के अनुसार अगर आप अपनी पुरानी बाइसाइकिल को किसी कबाड़ी को बेचते हैं तो उसे सीधा ही चाइना के बाइसाइकिल ग्रेवयार्ड में लाया जाता है जिसके चलते हुए ये ग्रेवयार्ड देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ग्रेवयार्ड बन चुका है जिसे सिर्फ बाइसाइकिल्स के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है और यही चीज चाइना के नाम बैठे बिठाए एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जहां 12 साल की छोटी सी उम्र में बच्चे अपने करियर के बारे में सोच तक नहीं सकते तो वहीं क्या आपको पता है कि इतनी छोटी उम्र में एक बच्चा हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहा है। मिलिए यूके में रहने वाले उमारी मैक्यून से, जो कि 8 साल की उम्र से ही अपने पैशन को फॉलो करते हुए कुकिंग कर रहे हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में उमारी ना सिर्फ यंगेस्ट वीगन शेफ बन चुके हैं बल्कि आज ये अपनी एक फूड कंपनी चलाने के साथ साथ बहुत सी रेसिपी बुक्स को भी मार्केट में बेचते हैं और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उमारी के नाम बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी किया गया है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको बताएगी हाल ही में जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस दिया कुमारी ने यह दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। असल में दोस्तों दिया का कुछ ऐसा कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का ही एक पैलेस था जिसपे शाहजहां ने आगे चलकर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्योंकि उस समय मुगलों का शासन भारत में काफी बड़े स्केल पर फैल चुका था तो वो कभी भी इस चीज का विरोध नहीं कर पाए। लेकिन प्रेजेंट डेट में अब दिया कुमारी अपने इस पैलेस को वापस चाहती है। वैसे इस थ्योरी को
सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन में छोटे बच्चों के लिए बेबी बर्थ शुरू की है, जिसमें अब ट्रेन में छोटे बच्चों को ले जाने में किसी भी मदर को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि अभी ये सर्विस ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे परमानेंट करके सभी ट्रेनों तक एक्सपेंड कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आपको 600 करोड़ रुपए पानी में तैरते हुए मिलेंगे। असल में दोस्तों यमन के किनारे पर आज से 34 साल पहले एक ऑयल टैंकर शिप को बांधा गया था, जो कि खराब मौसम के चलते हुए अपनी रस्सी को तोड़कर पानी के बहाव के साथ यमन के तट से काफी ज्यादा दूर चला गया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय क्योंकि ऑयल की कॉस्ट काफी ज्यादा कम थी, प्लस यमन गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड नहीं था, तो उन्होंने इस शिप को ऐसे ही समुद्र में बहने दिया। लेकिन बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज की ऑयल कॉस्ट के हिसाब से इस शिप में मौजूद ऑयल की कुल कीमत लगभग 612 करोड़ रुपए हो चुकी है, और इसलिए यूएन ने बहुत से देशों को यमन को पैसे देने के लिए कहा है ताकि वो इस ऑयल टैंकर शिप को दोबारा से कोस्ट पर ला सके। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। हाईवे पर इन तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी मेन एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज के ऊपर हमें कुछ इस तरीके की अजीब सी हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती हैं। लेकिन आखिर एक हाईवे के ऊपर इन तरीके की लाइंस का काम है ही क्या? असम दोस्तों इन तरीके की लाइंस को रंबल स्ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सबसे पहली बार दुनिया के सामने साल 1952 में लाया गया था। असम में दोस्तों इन तरीके की लाइंस को कुछ इस तरीके से एलाइन करके सड़क पर डाला जाता है कि जैसे ही आपका व्हीकल इन लाइंस के ऊपर से गुजरता है, आपका टायर वाइब्रेशन के चलते हुए बहुत ही अजीब सी साउंड को प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि आपको आपके व्हीकल के अंदर काफी तेज सुनाई भी देता है। असल में दोस्तों ये एक बेसिक रोड सेफ्टी फीचर है जो आवाज के थ्रू आपको ये रियलाइज कराता है कि आगे या तो कोई टोल प्लाजा मौजूद है या कोई ऐसी जगह जहां से गुजरते समय आपको आपके व्हीकल की स्पीड को कम करना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अक्सर लंबे सफर को तय करने के दौरान ड्राइवर जब थोड़े से स्लीपी फील करते हैं तो उनको दोबारा से जगाने और उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी इन तरीके की स्ट्रिप्स को डाला जाता है, ताकि जैसे ही आपका व्हीकल इन स्ट्रिप्स के ऊपर से गुजरे, तेज वाइब्रेशन और आवाज आपके कंसंट्रेशन को दोबारा से रोड पर बना दे। सो फाइनली अब आप इन तरीके की लाइंस के असली काम को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों साउथ के एक्टर अब हर मूवी में दाढ़ी रखते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में हाल फिलहाल रिलीज हुई ऑलमोस्ट सभी साउथ की मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज के मेन कैरेक्टर हमें बियर्ड में ही नजर आए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साउथ की मूवीज और बियर्ड का कनेक्शन आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था, जब साउथ के एक फेमस डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर कोई भी एक्टर ज्यादा बड़ी बियर्ड के साथ स्क्रीन पर उतरता है तो उसका कैरेक्टर और ज्यादा वजनदार हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि बियर्ड मैनली वाइब्स को भी काफी ज्यादा ऑडियंस तक ट्रांसफर करती है, तो ऑडियंस भी उस कैरेक्टर की एक्टिंग और एक्शन काफी गौर से देखती है। ना सिर्फ वो उसके एक्शन को देखती है बल्कि उसके स्टाइल को भी कॉपी करती है, और यही चीज हमें पुष्पा, RRR और KGF मामले में भी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि KGF के मेन कैरेक्टर ने ये तक भी खुलासा कर दिया था कि उनसे इनिशियल स्टेज पर जबरदस्ती बियर्ड को रखवाया गया था, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा वजनदार और मैनली दिखाना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, डायरेक्टर का ये पॉइंट बिल्कुल ही सही जाकर बैठा और KGF एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनके दुनिया के सामने आई। तो आप ये कह सकते हैं कि स्क्रीन पर एक्टर को काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए इन तरीके की मूवीज में अब बियर्ड का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि पैरागन जितना सा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।